अरमान ने सुनी लिया भीरा की मुंह से वह करती है उससे बहुत प्यार हुआ है। रोमांटिक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां पर अरमान और अभीरा एक दूसरे से बात करते हुए नजर आएंगे, जहां पर अरमान अभीरा से कहने वाला है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के लिए इतना क्यों करती हो, तुमने क्यों माँ पापा का रिश्ता बचाने के लिए अपना रिश्ता दांव पर लगा दिया। अभीरा जो है उससे कहने वाली है कि आप मुझसे दूर ही से बात कीजिए क्योंकि रूही मैम यही चाहती हैं। अभीरा कहने वाली है कि आप मेरे करीब मत आइए और इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछिए, कोई हक नहीं बनता। लेकिन अरमान अब अभीरा की एक बात भी सुनने वाला नहीं है और उससे कहने वाला है जबरदस्ती ही कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई बिना मतलब के रिश्ते के करता है, तो तुम आज मुझे बता ही दो। अभीरा जो है वह अरमान से कहने वाली है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि अब उसके मुंह से निकल ही जाने वाला है जब अरमान इतनी ज़बरदस्ती करके पूछ रहा है। यह सुनते ही अरमान शॉक हो जाता है और वह अभीरा को देखते रह जाने वाला है। अभीरा अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बात जो है बहुत आगे तक निकल गई है। उसके मुंह से जब यह सब निकल ही गया है तो वह अपने आप को यहाँ पर कोसने वाली है कि आखिर उसने अरमान के सामने यह सब कैसे बोल दिया, क्योंकि अरमान और रूही की तो शादी हो रही है। अब जब उनकी शादी हो रही है तो यह बात बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर अरमान अभीरा की इस बात को सीरियस जरूर लेने वाला है और वह उससे पूछने वाला है कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, अगर तुमने यह बात पहले बताई होती तो मैं रूही से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान जो है वह अपने परिवार की खुशियों के लिए रूही से शादी कर रहा है, नहीं तो वह रूही का हाथ कभी थामने को तैयार ही नहीं होता। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब अरमान अभीरा के लिए क्या करने वाला है और यह बात क्या वह अपने घर वालों को भी बताएगा और रूही से शादी करने से इनकार कर देगा। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब संजय बंसल को जब कावेरी पोद्दार मना करने वाली है कि वह अभीरा और उसकी करियर से दूर रहे तो क्या वो मान जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभीरा ने दादी सा से यही मांग की है जब कावेरी पोद्दार उसके पास मदद देने के लिए पहुंची थी। अभीरा जो है काफ़ी स्वाभिमानी है, इसीलिए वह किसी से भी कोई मदद नहीं लेगी, ना ही जॉब के लिए और ना ही पैसे के लिए। और यह बात कावेरी पोद्दार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि अभीरा के साथ संजय बंसल ने जो कुछ भी किया है उसके लिए दादी सा और यहाँ पर घर वाले काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि किसी लड़की के साथ ऐसा कभी ना हो। अब दूसरी तरफ अभीरा को एक बार यह एहसास तो हो जाता है कि दादी सा दिल की इतनी बुरी तो नहीं है, पर यहाँ पर दादी सा जो है वह उसके लिए चल के आई, यही बहुत बड़ी बात है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।